नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो मारुति सुजुकी का अल्टो K10 है, और इसका जो बात करते हैं अपन, इसका टाइमिंग करेंगे ओवरऑल, तो कैसे इसका टाइमिंग करते हैं और कहां पर इसके जो पॉइंट्स हैं वो रहने चाहिए, वो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए अपन को दिखाते हैं आपको कि कहाँ पर इसका टाइमिंग रहना चाहिए और कहाँ पर इसका मार्किंग एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ वीडियो में कंप्लीट मिलेगी। तो कंटिन्यू रहिए वीडियो के अंदर, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि कहाँ पर इसको एडजस्टमेंट करना है। तो आप देख सकते हो मैंने पूरा हेड वगैरह कैप वगैरह सब ओपन कर रखी है, टाइमिंग कवर वगैरह। तो इसका जो इंटेक और एग्जास्ट का जो केम है उनका मार्किंग कहाँ रहना चाहिए और क्रैंक का मार्किंग कहाँ पर रहना चाहिए, वो सारी चीज़ इस वीडियो में कवर करूँगा। तो कंटिन्यू रहिए वीडियो के अंदर, अपन एडजस्ट करते हैं इसको सबसे पहले। तो ये मेरा अल्टो K10 है, आप देख सकते हो। इसी का टाइमिंग कर रहा हूँ, वैसे मैं ऐड कर रहा हूँ लेकिन मैं इसमें आपको टाइमिंग बता रहा हूँ कैसे टाइमिंग करते हैं, कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले आपको ये 14 का रिंग स्पिनर लेना है और इससे इसको रोटेशन करना है, और इसको जब तक घुमाते रहना है जब तक यहाँ पर एक त्रिभुज का निशान बन के नहीं आए। तो यहाँ पर त्रिभुज का निशान देखना है आपको, आप देख सकते हैं त्रिभुज का निशान बना हुआ आ गया है, आपको दिखा दूँ ये त्रिभुज का आ चुका है। अब दूसरा मेरा, ये तो मेरा एग्जास्ट का कैमरा, सॉरी इंटेक का कैमरा, तो दूसरे वाले केम को रोटेशन करेंगे। तो यहाँ पर एक चॉइस का रिंग स्पिनर लगाना पड़ेगा आपको, थोड़ा क्लियरिटी का कर लेते हैं इसे। इसको भी वहीं पे लेना है जहाँ पर एक त्रिभुज का बना हुआ रहेगा, तो रोटेशन करना है कंटिन्यू। तो आप देख सकते हो ये त्रिभुज का निशान बना हुआ आ चुका है, इसके भी आपको फोकस करना, ये वाला त्रिभुज का निशान बना आ चुका है, इधर भी त्रिभुज का निशान बना आ चुका है। अब क्रेन को एडजस्ट करना है मेरे को, तो क्रेन को एडजस्ट करने के लिए मेरे को 16-17 का रिंग लगाना पड़ेगा, तो इसको रोटेशन करना पड़ेगा। और रोटेशन करके जो ये केम की मक्खी है इसको इस वाले कट पे रखना है, तो मैं इसका सेंटर कर लेता हूँ। इधर से देखो तो पिस्टन टॉप पे आएगा, आप देख सकते हो। मैं दिखा दूँ आपको, मेरा निशान आ चुका है, ये जो मक्खी बनी हुई है इसके सेंटर पोजीशन पे रहना चाहिए, यानी इस कट से, इस कट के सामने रहना चाहिए। तो ये मेरा बिल्कुल सेंटर वाइज है, आप देख सकते हो। तो उसका एक बार टाइमिंग चेन इंस्टॉलेशन करेंगे। ये तो मेरा टाइमिंग का निशान कैसे हेड रखते समय कैसे रखना है वो चीज़ मैंने बताई है, आप देख सकते हो। तो मेरा अल्टो K10 है, तो इसका कैसे टाइमिंग करते हैं वो कंप्लीट मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा, तो कंटिन्यू वीडियो में रहिए। अब इसका मैं टाइमिंग चेन इंस्टॉलेशन करूंगा, और इधर से देखोगे तो पिस्टन भी मेरा टॉप पे आ चुका है, आप देख सकते हो। मार्किंग की बात करें तो आप मार्किंग देख सकते हो, क्लियरली दिखेगा आपको, दोनों त्रिभुज के जो निशान बने हुए हैं ये टॉप ऊपर अपसाइड रहेंगे। तो इसका चेन इंस्टॉलेशन करते हैं सबसे पहले। और नीचे की बात करें तो आप देख सकते हो ये जो लाइनिंग बनी हुई है इसी पे मेरा चेन का कट रहेगा, क्रेन की जो लाइनिंग बनी हुई है आप देख सकते हो, इधर से मैं दिखा दूँ ये कट बना हुआ है, सीधे माइनस मार्किंग देख सकते हो, इसी में मेरा चेन का कट रहेगा, क्रेन का कट, और जो रहेगा वो अपसाइड में रहेगा। तो इंस्टॉलेशन करते हैं चेन का एक बार। चेन की मार्किंग की बात करें तो देख सकते हो एक मार्किंग ये रहेगा मेरा, और दूसरा मेरा ये रहेगा, तो इंटेक और एग्जास्ट केम के ऊपर ये दोनों मार्किंग रहेगी। और क्रेन पे जो मार्किंग रहेगी ये डार्क कलर का बना हुआ है, इसी में मेरा चेन का नीचे वाला मार्किंग रहेगा। तो चेन को एडजस्ट करते हैं और चेन को इंस्टॉलेशन करेंगे सबसे पहले, यानी दोनों कट ऊपर रहेंगे और नीचे वाला क्रैंक पे रहेगा, तो उसको एडजस्ट करते हैं।
तो टाइमिंग चेन का इंस्टॉलेशन कर दिया है मैंने, आप देख सकते हो। इसके स्पॉकेट पे एडजस्ट करेंगे, स्पॉकेट लगाते हैं सबसे पहले। तो इस साइड का चेन स्पॉकेट लगा दिया है मैंने, आप देख सकते हो कंप्लीट इंस्टॉलेशन कर दिया है। इसका एडजस्टर इधर लगाएंगे और इसका जो चेन स्पॉकेट है वो लगाएंगे। इधर का स्पॉकेट और चेन की फिटिंग करते हैं। तो फाइनली मैंने टाइमिंग मिला दिया है। अब टाइमिंग का आपको मार्किंग एक बार कम्प्लीटली दिखा देता हूँ, कैसे कैसे मैंने टाइमिंग को एडजस्ट किया है। तो आप देख सकते हो जो मेरा ये केम है, इसका जो त्रिभुज का बना हुआ है ये फ्रंट पे रहेगा, टॉप पे रहेगा, और इधर वाली केम का भी मेरा टॉप पे रहेगा। तो ये दोनों तो मेरा टॉप पे रहेगा, और ये जो मार्किंग देख सकते हो जो कि डार्क पिन बनी हुई है, दोनों इसी के ऊपर रहेगी। तो इधर से मैं दिखा दूँ आपको, ये तो इस साइड से हो गया टाइमिंग का मेरा। और इस साइड से बात करें तो ये जो मेरा कटर पिन है, ये वाला कटर पिन है, ये जो कटर पिन बना हुआ है ये सीधा मेरा यहाँ पर एक कट बना हुआ है, ये जो सेंटर का कट बना हुआ है, ये वाला कट इस सेंटर से, इस सेंटर ये जो मेरा कटर पिन बना हुआ है इस पर रहेगा, यानी इस कटर पिन के सामने ये वाला डॉट पॉइंट रहेगा, तो ये मार्किंग बना हुआ है इस सेंटर पे रहेगा। और नीचे से बात करूँ तो मैं नीचे से भी दिखा देता हूँ। तो नीचे का जो ये लाइनिंग बना हुआ है इस पर डार्क पिन पे, ये जो डार्क पिन बना हुआ है आप देख सकते हो, ये डार्क पिन बना हुआ है इस कट पे रहेगा। तो ये मेरा अल्टो के टेन का टाइमिंग है, तो वेगनार और अल्टो के टेन का सेम टाइमिंग रहेगा। तो कम्प्लीट मैंने आपको बता दिया कि कैसे इसका टाइमिंग रखना है, ऐसे आप टाइमिंग कर सकते हो। मैंने बताया आपको, कटर पिन पे वो डॉट पॉइंट रहेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला डॉट पॉइंट रहेगा, इस साइड से दिखा रहा हूँ, यानी इस कटर पिन से ये वाला डॉट पॉइंट रहेगा। और इधर मार्किंग मैंने आपको दिखाई दी है, तो इंटेक एग्जस्ट केम की जो मार्किंग है वो कैसे अल्टो की टाइमिंग करते हैं वो कम्प्लीट डिटेल से बताइए मैंने इस वीडियो के अंदर। आप ऐसे टाइमिंग कर सकते हो, आप देख सकते हो मेरा अल्टो के टेन ही है। तो अल्टो के टेन की कैसे टाइमिंग करनी है वो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मिलेगी आपको। तो आप वीडियो के माध्यम से अल्टो के टेन का टाइमिंग मिला सकते हो, जो कि मैंने मिलाया है। इधर से टाइमिंग चेन हो गया मेरा, इधर से मार्किंग हो गया, अगेन रिप मैं दिखा देता हूँ आपको। जो मेरा कटर पिन है, ये वाला कटर पिन है, सेंटर से रहेगा। तो नीचे की जो मार्किंग है, नीचे की मार्किंग जो बनी हुई है आप देख सकते हैं, एक लाइनिंग बनी हुई है, इस पे डार्क पिन रहेगा। तो ये कंप्लीट टाइमिंग हो जाता है मेरा। जैसे मैं दिखाऊं तो आपको, ये अल्टो ये मेरी आप देख सकते हो, तो ये कंप्लीट टाइमिंग है। तो इधर का भी मैं दिखा देता हूँ आपको, ये मेरा अल्टो के टेन VXI टॉप मॉडल है, आप देख सकते हो मारुति सुजुकी का गाड़ी है मेरा। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।